हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे ICAR टेक्नीशियन के लिए आपको बिल्कुल साइंस के यहाँ पे 25 क्वेश्चन कराऊँ, ठीक है। आप लोग बिल्कुल पेपर का पैटर्न आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे पेपर आपके पूछे कैसे आते हैं, ठीक है। आपके 25 साइंस के नंबर आएंगे, तो मैं आपको यहाँ पे एग्जाम पैटर्न बिल्कुल क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ ICAR टेक्नीशियन में किस टाइप के आपके प्रश्न बनते हैं साइंस में, ठीक है। चलो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता होगा 641 केवल इसमें वैकेंसी है आपकी, ठीक है। चलो भाई तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला प्रश्न आपका ये दिया गया है, साइकिल चालक को वर्तुल गति में झुकना चाहिए, ठीक है। तो पहले का यहाँ पे केंद्र की ओर तिरछा वर्तुल गति में, मतलब तिरछा की ओर झुकना चाहिए किसी वस्तु के लिए। अब केंद्रीय बल का मान क्या होता है, अब केंद्रीय बल क्या होता है, बराबर MV² अपॉन में R होता है। यहाँ अब केंद्रीय बल होता है F, जहाँ होता है F, और MV² अपॉन में R होता है, जो कि ये ऑप्शन पे सी पार्ट राइट है दूसरे का, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर, यहाँ पे 25 क्वेश्चन आप देख लेना, ठीक है। पेपर का पैटर्न ये देखो, आपका पीडीसीआर का क्वेश्चन पेपर है, निम्नलिखित में से कौन सा आभासी बल है, निम्नलिखित में से कौन सा आभासी बल है। तो आप केंद्रीय बल जो आपका आभासी बल है, इससे एक क्वेश्चन बनता है, दूध से मक्खन अलग करने की क्रिया या दूध से मलाई अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, किस सिद्धांत पर लागू होती है, आप केंद्रीय बल पे, ठीक है। इसको याद कर लेना, वायुयान खड़े रूप में हवाई करता हुआ दिखा सकता है। तो चौथा नंबर प्रश्न है वो आपका अपकेंद्रीय बल के कारण, किसके कारण, अपकेंद्रीय बल के कारण। अगला प्रश्न है, चलो भाई पांचवा नंबर प्रश्न दिया गया, दूध को मथने से क्रीम अलग करने के कारण होने का कारण वो किसका कारण होता है। देखो तो इसका होता है अपकेंद्रीय बल, ये क्वेश्चन आपको बता चुके। किसी वस्तु की स्थिर अवस्था में संवेग होगा, किसी वस्तु की स्थिर अवस्था में आपका संवेग होगा। छठवें नंबर का यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, ए पार्ट शून्य होगा, ठीक है। किसी स्थिर वस्तु में पूछा जाता है या फिर विराम अवस्था में, तो वो आपका शून्य रहेगा। स्टार्ट किया नहीं ना, विराम अवस्था में रुका स्थिति में, तो वो आपका शून्य ही रहता है उस टाइम। ये चीज़ को आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, बॉल को लपकते समय या कैच करते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ नीचे की ओर कर लेता है। जब आप लोग कैच पाते होंगे गेंद को, तो हाथ थोड़ा नीचे कर लेते होगा, वो किस लिए करते हैं। देखो वो करते आवेग, मतलब इम्पल्स को कम करने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सारे पूछे गए थे, इनको अच्छी तरह देख लेना। अगला देखते हैं कि आवेग जो होता है, ठीक है, आवेग की जो इकाई क्या होती है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो आवेग की इकाई होती है न्यूटन सेकंड होता है, ठीक है, पढ़ लेना। अगला देखते हैं, एक समान गति वाला पिंड क्या होता है, बताए। एक समान गति वाला पिंड क्या कर सकता है, एक समान गति वाला पिंड जो हमेशा कभी त्वरित नहीं हो सकता, ठीक है। एक समान गति वाला पिंड जो होता है वो त्वरित नहीं होता है। अगला नंबर है दसवां नंबर, यदि किसी कण का वेग y बराबर MT+c है, ठीक, y बराबर MT+c द्वारा निरूपित किया जाता है, तो कण चल रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, कण चल रहा है एक समान त्वरण के साथ, कण चल रहा है कैसा, एक समान त्वरण के साथ। अगला प्रश्न दिया गया, किसी वस्तु का विस्थापन होगा तो यहाँ पे कैसा होगा, धनात्मक शून्य ऋणात्मक ये सभी होगा। किसी वस्तु को जो अगर विस्थापन पूछ लिया जाए, तो वो आपका धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार, काफ़ी छात्रों ने गलत किया था, किसी ने सोचा था ये सभी होगा, ठीक है। तो आप लोग याद कर लेना इस बार, ठीक है, ICAR टेक्नीशियन में ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। अगला देखते हैं, एक समान गति से त्वरित हो रही है, इसका वेग u से v हो जाता है, तब औसत वेग का सूत्र क्या होता है, आप खुद बताइए। औसत वेग का सूत्र क्या होता है, औसत वेग का सीधा सूत्र आप लोग याद कर लेना, u+v/2 ले सकते हो, या फिर v+u/2, वही बात है, ठीक है, v+u/2, ये सूत्र याद कर लेना। वेग समय ग्राफ की प्रवणता दर्शाती है, 13 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन इसका बताइए क्या होगा, बताइए। तो त्वरण, वेग समय ग्राफ का जो त्वरण है, जो वेग समय तो वेग समय के लिए जब पता वी और टी के लिए क्या ग्राफ दर्शाता है, तो ए दर्शाता है, तो यहाँ पे त्वरण हो जाएगा, एक्सीलरेशन। निम्नलिखित में से सत्य है, 14 नंबर प्रश्न है, बताइए यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, v+u+at एस बराबर u2a(at²v²u²)2ac, ये बिल्कुल सही है, यही पॉइंट है आपका जो सत्य है, ठीक है। इनमें थोड़ी थोड़ी गलती, जैसे 2as नहीं लिखा है इसमें, जैसे छोटी सी गलती है इसमें, at नहीं लिखा है, ये सही है पूरा, गति के नियम में पता होगा। अगला देखते, अगला दिया गया आपका, न्यूटन का प्रथम नियम संकल्पना देता है, न्यूटन के गति का जो नियम है संकल्पना देता है, 17 नंबर प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। देखो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर डी पार्ट, जड़त्व को कह सकते हैं, या फिर विराम का, या जड़त्व का विराम, सॉरी जड़त्व को कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं न्यूटन का प्रथम नियम, विराम का नियम भी कह सकते हैं, या न्यूटन का प्रथम नियम भी कह सकते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम जो होता है, जड़त्व का नियम देता है, या विराम का नियम देता है। जब एक गतिमान कार को अचानक रोका जाता है, जैसे कोई गतिमान कार है उसको अचानक रोक दिया जाता है, तो कार में जैसे बैठे यात्री जो होता है
थोड़ा आगे की ओर झुक जाता है। इसका रीज़न क्या होता है दोस्तों, देखो इसका रीज़न आप लोग याद कर लो आज, वो गणित के, क्योंकि वो जो व्यक्ति होता है वो गति के वो गति में होता है, लेकिन कार अचानक रुक जाती है तो वो तो गति में रहता है ना, इसलिए वो थोड़ा सा आगे आ जाता है। अगला देखते, खिलाड़ी लंबी कूद लगाने से पहले दौड़ता क्यों है। खिलाड़ी लंबी कूद लगाने से पहले दौड़ता क्यों है, तो भैया गति की जरूरत, गति बनाने के लिए, काफ़ी गति उसकी बन जाए इसलिए, ठीक है। इन सब चीज़ों को याद कर लेना भाई, मैं आपको यहाँ पर 25 लेवल क्वेश्चन लेके आया हूँ, साइंस के जो क्वेश्चन आपके पिछले साल पूछे गए थे। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है, 20 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा। वाहनों में स्नेहक तेल पता होगा लगाते हैं, इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है घर्षण कम करने के लिए, घर्षण कम करने के लिए किया जाता है। अगला देखते हैं, हम मैली सड़क पर फिसल जाते हैं, इसका कारण क्या भाई, हम मैली सड़क पर फिसल जाते हैं, इसका होता है घर्षण में कमी, घर्षण की कमी कारण हम मैली सड़क पर फिसल जाते हैं। चलो भाई, तो पीडीएस सिर क्वेश्चन से मुझे केवल 21 क्वेश्चन मिल पाए थे, ठीक है दोस्तों, पूरे क्वेश्चन नहीं मिल पाए मुझे, 21 ही मिल पाए। तो इन क्वेश्चन को आप लोग देखा, वीडियो यदि आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, आप लोग लाइक नहीं करते, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे तो और ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, एक दिन में काफ़ी प्रैक्टिस सेट मिल सकते हैं आपको, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपके प्रैक्टिस और पीडीएस क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिए।